हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होममेकर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक डिज़ाइनर लटकन बनाना। ये बहुत ही प्यारा लगता है। इसको हम अपने लहंगे में, ब्लाउज़ में और गाउन वगैरह में लगा सकते हैं और ये बनाने में बहुत ही ईजी है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे बनाए हुए डिज़ाइनर ड्रेसेस पसंद आते हैं तो वो सभी ड्रेसेस मीशो ऐप पर अवेलेबल हैं। आप मीशो ऐप पर जाइए और राइबिया सर्च करिए तो मेरे सभी प्रोडक्ट शो हो जाएंगे और आप उसमें से अपना कोई भी मनपसंद प्रोडक्ट अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग मीशो पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं जिससे मैं जब भी कोई नई ड्रेस अपलोड करूँ उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। तो फिर चलिए हम लटकन बनाना शुरू करते हैं। तो लटकन बनाने के लिए ये यहाँ मैंने एक मेटल की चूड़ी ली है। इसको मैंने बीच से ये देखिए कट कर दिया है और उसके बाद ये इस टाइप की लेस हम लेंगे और फिर इस लेस को इसको हल्का सा फैलाकर ये बहुत ही आसानी से, ये आप देख सकते हैं, इसको हम इस टाइप से इसमें पिरो लेंगे। ये इस टाइप से, ये थोड़ा सा एक बार अंदर और एक बार बाहर इस टाइप से करते हुए ये बहुत आसान होता है। ये आप देख सकते हैं, इस टाइप से हम इसको पिरोते जाएंगे। तो ऐसे पिरोकर फिर इसको हम धीरे धीरे ऐसे फैलाते जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और ये पूरी चूड़ी में हम इसको इसी टाइप से पिरो पिरो कर ऐसे फैला लेंगे। तो ये पूरी चूड़ी में लग गया है और अब हम लेस को यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, ऐसे कट कर लेंगे। और तो यहाँ से लेस को कट करने के बाद हम चूड़ी को हल्का सा ऐसे फैला लेंगे और ये दोनों कॉर्नर के लेस को इधर से उल्टा करके, ये आप देख सकते हैं, ऐसे पहले हम इसको आपस में सुई से अटैच कर लेंगे। तो इसको मैंने अटैच कर दिया है और अब इस धागे को हम ऐसे कट कर देंगे और इस चूड़ी को इसको पीछे की तरफ हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरा कितना प्यारा ये बन गया है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 5 इंच लंबाई का ये आप देख सकते हैं और ये 5 इंच चौड़ाई भी है इसकी। चौकोर कपड़ा मैंने कट किया है स्क्वायर शेप में। ये 2 लेयर है और इसको हम इस टाइप से, ये आप देख सकते हैं, ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको हम यहाँ से इस टाइप से कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हो गया। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से हम इसमें हल्की सी गोलाई दे देंगे इस टाइप से, ये आप देख सकते हैं ये। और फिर ये देखिए, ये मेरे पास 1 2 3 4 पीस कट गए हैं और इस टाइप के हम 10 पीस कटिंग करेंगे और फिर इसके ऊपर ये इस टाइप की लेस हम ऐसे इसके ऊपर मशीन चलाकर अटैच करेंगे। तो इसके ऊपर हम ऐसे लेस को रखेंगे और इस टाइप से ये मशीन चलाते जाएंगे और ये घुमा घुमा कर हम इसको ऐसे मशीन चला लेंगे और ये इस टाइप से, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर, ये देखिए, इसी टाइप से हम ये सारे टुकड़ों में लेस अटैच करेंगे। तो ये लेस मैंने इस टाइप से अटैच कर दी है और इसको ऐसे बीच से कट कर करके हम सारे पीस पहले अलग कर लेंगे, ये हो गया। और फिर इसको हम इस टाइप से उल्टा फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक इसको मशीन चलाकर अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक मशीन चला दी है और अब इसको इस टाइप से हम पलटकर सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर के कॉर्नर को हम सुई की मदद से, ये आप देख सकते हैं, ऐसे निकाल लेंगे ये और इसी टाइप से हम सारा बना लेंगे। ये 5 पीस मैंने बना लिए हैं और अब हम क्या करेंगे कि ये सुई से हम इसको इस टाइप से, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मिडिल से इसके ऐसे निकालूंगी मैं और फिर इन मोतियों को पहले मैं एक बड़ी मोती लगाऊंगी इस टाइप से और फिर ये छोटी मोतियाँ हम इसमें पिरो लेंगे।
तो इसमें मैंने मोतियाँ पिरो ली हैं। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसको इस टाइप से सुई से, ये आप देख सकते हैं, इसमें मैं इसको एडजस्ट करके टाँक दूँगी। इसको मैंने इसमें अटैच कर दिया है और अब इसी टाइप से मोती पिरो पुरो कर हम एक यहाँ और फिर थोड़ी कम मोतियाँ पिरो कर एक यहाँ और इसी टाइप से ये सारे इसमें मैं अटैच कर दूँगी। तो इन सभी को मैंने मोतियाँ लगाकर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर अटैच कर दिया है। और अब इस डोरी को भी हम इधर पीछे से यहाँ से इसमें सुई से अटैच कर लेंगे। ये दो लटकन सेम बना लिए हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये लटकन बनकर रेडी हो गया है और ये देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये लटकन बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।